स्टेफन की शिकोगे किसी के प्यार में की कहानी में बढ़ने वाला है भोसले का एक और दुश्मन, जहां पर रजत के भाई लकी बार बार मृण्मयी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते आए हैं। इस बात को तो हमने विटनेस कर दिया है, लेकिन अब वही लकी बनाते नजर आने वाले हैं मृण्मयी का चुपके से वीडियो। और पकड़े जाने के बाद जब उन्हें पड़ने वाली है अमन और रजत से ढेर सारी डांट और यहां तक की थप्पड़ भी, तो अब वही लकी बनते नजर आने वाले हैं दुश्मन और बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार। वहीं दूसरी तरफ सभी बनती नजर आने वाली है सई की यशोदा माँ। सभी ने ज्यादा कुछ ना सोचे समझे सई को आशिका के हवाले तो कर दिया, लेकिन अब कहीं ना कहीं मोमेंट्स ऐसे क्रिएट होने वाले हैं जहां पर सभी को लिए गए अपने इस फैसले पर पछतावा होता नजर आएगा, तब जब आशिका सई पर नहीं देंगी ध्यान और सई बिल्कुल करेंगी खुद को अकेला फील। लेकिन सई की यशोदा माँ है ना, यानी कि सभी तो सई की हेल्प करने के लिए सई के पास जाने के लिए पूरी तरह से हमेशा तैयार है। तो देखने वाली बात यह होगी कि ये अटैचमेंट जो सई का सभी से है, जो कि सई को कहीं ना कहीं अब सभी की ओर खींच कर लेकर जाने वाला है कोर्ट के सामने भी, लेकिन कोर्ट का जो डिसीजन होने वाला है जो कि कुछ टाइम के लिए सई आशिका के फेवर में होगा, उन्हें मिलने वाली है सई की कस्टडी, तो अब हमें किसी के प्यार में की कहानी में यहीं पर आने वाला है बड़ा ट्विस्ट। सभी माँ नहीं बन सकती है और अब तो उनके अडॉप्शन जो अपील है वो भी रद्द कर दी जाएगी, मगर किस्मत में इतने दुख के बाद भी सभी और सई का रिश्ता बनना तो तय है। तो देखने वाली बात ये होगी फैंस की, जहां पर अब सभी एक बार फिर से रजत के ताने सुनती नजर आने वाली है, उनके इमोशंस जिस तरह हर्ट हुए है ना उसका मजाक बनाते नजर आने वाले हैं रजत। क्यों? क्योंकि रजत के भी इमोशंस हर्ट हुए सभी की वजह से। तो अब ये जो दोनों के ही मन में एक दूसरे को लेकर करवाहट है वो किस मोमेंट पर आकर होने लगेगी कम, कब देने लगेंगे वो दोनों ही एक दूसरे का साथ, जान निकले स्टार्स के शो को मैं किसी के प्यार में को लगातार देखते रहिए। टेलीमॉम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।